internal control for the salary and the wages. See, in the large organization, the transactions of the wages and the salaries which will be given will be quite large because utne number of employees honge. So it should be, you know, properly segregated in the several parts. क्यों? क्योंकि हम इजीली हमारा जो इंटरनल कंट्रोल पर्पस है जो वो फुलफिल प्रॉपरली कर सके. तो कैसे? अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इट शुड बी सेग्रीगेटेड इन द सेवरल पार्ट्स. तो व्हेन आई से अबाउट द सेवरल पार्ट्स, कौन कौन से होने चाहिए, कि कितने नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयज हैज वर्क, नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग इन अ डे. इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव अ 7 आवर्स, सर्टन ऑर्गेनाइजेशन हैव 8 आवर्स, सर्टन ऑर्गेनाइजेशन हैव 9 आवर्स इन अ डे. सो कितने आवर्स द एम्प्लॉयज आर वर्किंग. See, it should be seen by the way of the mustard. क्योंकि क्यों basis on the mustard? क्योंकि muster में आप entry करते हो ना in time, out time की. Some organization have a punch card systems. ये card होगा तो उन लोग scan कर सकते हैं. तो calculation of the salary and wages, or you can say the deductions from the salary and the wages, जो भी हमें करना है. Income tax pay करना पड़ेगा, professional tax pay करना पड़ता है salary में से, provident fund pay करना पड़ता है. Then you can calculate the net amount which is payable to each of the employees. Ya to you can say the drawings, jo bhi salary are the wages, jo bhi hum banks ke through pay karte hai. Because usually in many of the organization, they pay through the bank. So keeping in all those things in the mind, we have to make a proper internal control and the proper internal check ka procedure should be followed. Okay, so what is the first point which we need to follow? There should be a proper division of the work. Okay, now when I come to a division of the work, see, the work which is related to the payment of the salary and the wages should be properly divided. We all know the difference ke salaries monthly pay hota hai, wages every day mein pay hota hai. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों के रिगार्डिंग जो भी पेमेंट है ऑफ द सैलरी एज वेल एज वेजेस शुड बी प्रॉपरली डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज. किसी एक के हाथ में पैसा नहीं देना है. सो डिफरेंट पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड, द स्टाफ और यू कैन से द वर्कर्स टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस. एक जन रिकॉर्ड करेगा अटेंडेंस, दूसरा जन प्रिपेयर करेगा पे शीट को कि कितना पे करना बाकी. बिकॉज इन द पे शीट यू हैव टू इवन चेक ना ऑल द थिंग्स कि वो कितने डेज आया. से फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 30 डेज द वर्कर डिडंट केम फॉर द 7 डेज, तो उसका जो भी सैलरी जाएगा या तो जो वेजेस जाएगा वो सिर्फ कितने डेज का होगा, 21 डेज का होगा. एंड देन वी शुड हैव अ सेपरेट पर्सन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल दिस एंट्रीज एज वेल. So there should be a proper division of the work. It should not be there in the hands of one person. Next one is a proper procedure needs to be followed for the payment. Ab ye jab procedure bolte hai, to procedure for what? Procedure should be followed for the payment. Now what is the procedure which we need to follow it up? The employee should sign the pay sheet or the vouchers. अगर मुझे उनको मैं सैलरी दे रही हूँ तो मुझे उनका एक्नॉलेजमेंट लेना है कि हाँ उनको पेमेंट रिसीव हुआ है. ठीक है, अगर कोई पर्सन से एब्सेंट है तो अ प्रॉपर यू नो अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी देयर कि अगर एब्सेंट एम्प्लॉयज के लिए कि वो प्रॉपरली वेरीफाई कर पाए, साइन ऑथोराइज कर पाए. इफ द सैलरीज आर पेड बाय द चेक दे शुड बी यू नो क्रॉस्ड अकाउंट पे ही करके, सो दैट कुछ मिसयूज ना हो सके अकाउंट पे, तो वो ही जाके अपना विड्रॉ कर पाएगा. सो टू प्रिवेंट द मिसयूज देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर विच शुड बी फॉलोड. ऑलवेज रिमेंबर योर जितना भी टेस्ट चेक पेमेंट्स होंगे ना वो सारे अप्रूव होने चाहिए. अप्रूव होने के बाद इट गोज टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट फर्स्ट जस्ट चेक के वेदर जो भी आपने कैलकुलेशन किया है दैट इज अरिथमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं, इट इज करेक्ट और नॉट. सो काफी सारे ऐसे पेमेंट्स भी होंगे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन डेप्थ चेक करेगा. Next one is cross checks. Now what is cross check? See, the work should be divided in such a way that जो attendance record है, जो हमारी pay sheet है, checks है, जो vouchers है, so it will be prepared by one person. Say for example, वो security or the personal department बना सकता है. Automatically check कौन कर सकता है? The check can be done by other person. Say for example, if I'm asking the Satakshi, के Satakshi you just prepare it up. Then I will ask some other person, like मैं पूजा को बोलूंगी कि पूजा तू ये सिर्फ चेक कर लेना कि जो बताया जो उसने बनाया है वो प्रॉपर है या नहीं. ठीक है, तो यर आई एम इन्वॉल्विंग द अदर एम्प्लॉयज एज वेल, सो दैट कि मेरे जो फ्रॉड्स के चांसेस जो है, अगर कुछ एरर्स बाय मिस्टेकली अगर कुछ एरर्स हो गए तो मैं उसको प्रिवेंट कर सकती हूँ. ठीक है, अगर मैं हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन इवन मेक द चेंजेस एज वेल. देन देर शुड बी अ यू नो
चेंजेस होना चाहिए, देर शुड बी अ रोटेशनल बेसिस पर देयर ड्यूटीज शुड बी चेंज. अभी सिक्योरिटी स्टाफ है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में दे हैव अ टू शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, सो इवन देर शुड बी अ चेंज इन द ड्यूटीज. सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो चेंज होने चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ थ्री फ्लोर का कंपनीज, तो जो सिक्योरिटी स्टाफ को एक मंथ अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पर यू नो प्लेस किया तो सेकेंड फिर मंथ उसको फर्स्ट फ्लोर दे दो, तो आप क्या करो चेंज कर दो. ठीक है, पर्सनल स्टाफ है जो कैशियर, एज आई टोल्ड यू यू नो इन द प्रीवियस क्लास के जब भी बैंक का होता है बैंक में ऑलवेज रोटेशनल बेसिस पर होता है. इफ यू सी आफ्टर 10 डेज वहां पर, मतलब इंटरनली इफ दे हैव अ 7 एम्प्लॉइज, तो एक एम्प्लॉय को 1 वीक को दे विल बी आस्किंग टू यू नो सिट ऑन अ कैशियर काउंटर. सेकेंड वन को बोलेंगे कि आप डिपॉजिट कलेक्ट करो, थर्ड वन को बोलेंगे कि आप क्वेरीज कस्टमर की क्वेरीज सॉल्व करो, फोर्थ को बोलेंगे कि आप लोन देखो, एंड द रोटेशनल बेसिस पर they change it up the duties. Okay, so it is always advisable to have a change in their duties from time to time. Annual leaves should be given. Why the annual leaves should be given? Just to see ke ha agar kuch problem to nahi hai na, hum usme verify kar sakte hai. Agar leave mein jaye to kya hum bhi ek bar ye to find out kar sakte hai. It helps us to enable ke kuch errors ya to frauds to nahi hua hai. Now excess of books. See, the security staff should not have access to the any of the patients. If you go in the organization, आपको किसी और की patient भी हाथ में नहीं देते. ठीक है, neither the personal staff or the cashier should have the access to the books of accounts. It should be remained with our department of accounts only. चाहे वो cash book हो या तो bank book हो या तो कोई ऐसे ledgers हो. ठीक है, there should be a prompt recording. Attendance should be promptly recorded. ठीक है, क्लॉक आवर्स शुड बी प्रॉपरली फॉलोड. पेमेंट, जो भी पेमेंट है, पेमेंट सिस्टम शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड. यू नो करेक्ट अमाउंट शुड बी एंटर्ड अगेंस्ट द राइट एम्प्लॉयज ऑन द करेक्ट, इवन द डेट शुड बी देयर कि हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो भी डेट लिख देना है कि प्रॉपर है या नहीं, कौन से डेट पर हमने पेमेंट किया है. वी शुड यू नो इन द चेक का काउंटर फॉइल हमने प्रॉपरली भरा है या नहीं. व्हेन यू सी व्हेन यू हैव अ चेक बुक ना, हम जब भी एक भी चेक अगर ये करते हैं तो सबसे आगे हम फर्स्ट पेज पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि व्हाई दिस चेक इज बीन यूज्ड. देन अ पेमेंट वाउचर, कैश बुक है, अगर अगर हम कैश में पे कर रहे हैं उनको, सिर्फ वेजेस दे रहे तो वेजेस एवरी डे कैश में पे कर रहे हैं, तो देर अ प्रॉपर कैश बुक में प्रॉपर रिकॉर्डिंग शुड बी देर. इफ यू आर पेइंग द सैलरी थ्रू अ चेक एवरी मंथ, तो प्रॉपर देर शुड बी अ बैंक बुक का सिस्टम शुड बी प्रॉपर. ठीक है, और कंप्लीट अगेन अगर कोई एब्सेंटी का है पेमेंट तो केयर शुड बी टेकन फॉर दिस एज वेल. देर शुड बी इवन अ सेपरेट पर्सन टू मेक द पेमेंट्स, वी शुड नॉट आस्क एनी वन पर्सन टू गिव द पेमेंट. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर रिकॉर्डिंग, जो हमने अभी पढ़ा. देन इज द प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग, जब हुआ तभी अप टू डेट हो जानी चाहिए बुक्स. पेशेंट्स जो भी आपको है, अभी आप यू नो योर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग द प्रैक्टिस दैट दे विल बी पेइंग ऑन एवरी 30th ऑफ द मंथ, तो पेशेंट अर्ली मतलब 27-28 तक बन जानी चाहिए, इट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ टाइम. कैश और बैंक बुक जो भी है वो अप टू डेट होनी चाहिए, बिकॉज जैसे आप चेक डिपॉजिट करते हो इट गेट्स यू नो 3 days टू गेट क्लियर. तो जो भी एंट्रीज है वो देयर शुड बी अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्रीज एज वेल. सी वन मोर थिंग आ क्लास, ठीक है पहले ये पढ़ लेते फिर वो एरर्स एंड फ्रॉड्स में डिस्कस करेंगे. अकाउंटिंग पॉलिसीज ना, सी एज आई टोल्ड यू के कोई भी हो, चाहे हम इंटरनल कंट्रोल सेल्स का कर रहे हो या तो हम परचेजेस का कर रहे हो, देयर शुड बी अ प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज विच शुड बी फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. एडजस्टमेंट है, अगर स्टाफ ने कोई लोन लिया है या तो हमने किसी स्टाफ को एडवांसेस दिए, एडवांस में सैलरी पे कर दिया है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज विच शुड बी फॉलोड, चाहे वो प्रीपेड हो या चाहे वो आउटस्टैंडिंग के लिए हो. नेक्स्ट वन इज सेफ गार्डिंग. नाउ व्हाट योर द सेफ गार्डिंग मीन, सी जो भी चेक है शुड बी साइन बट इट शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू द एम्प्लॉयज हु मे रिमेन एब्सेंट. हाँ अगर वो एब्सेंट है तो आप उसका सेफ कस्टडी में रख दो, जब भी वो आएगा तब उसको हैंड ओवर कर देना. तो कोई जैसे कोई भी चेक्स है या तो कोई ऐसे कैश वाउचर्स है जो अनपेड, जो भी सैलरी है वो अनपेड है, तो वो तुरंत से वेरीफाई कर देना चाहिए.
ठीक है, पेडे, पेडे मतलब जो दिन भी आप पेमेंट करने वाले हो, जो दिन भी आपकी सैलरी रिलीज होती है वो डे को हम पेडे कहते हैं। तो इमीडिएटली अगर पता चल रहा है कि हाँ ये एम्प्लॉयज का अभी भी अनपेड सैलरी है, अभी भी इसने नहीं लिया है, अभी भी इसका सेफ कस्टडी में, तो तुरंत से वेरीफाई करो एंड इमीडिएटली यू टेक अ फॉलोइंग स्टेप्स। नेक्स्ट वन इज एरर्स एंड द फॉल्ट्स। सी, चाहे हम पेशेंट बनाए, चेक कैश बुक हो, बैंक बुक हो, इट शुड बी प्रॉपरली चेक जस्ट टू डिटेक्ट के वेदर कोई एरर्स तो नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग में। इट कैन बी एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एज वेल एज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, बुक्स में ये देखना है कि हम इन्फ्लेट तो नहीं कर रहे, जैसे सत्यम स्कैम में कैसा हुआ था, दे वर हैविंग अ लेस नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, बट उन लोग ने क्या दिखा रहे थे कि कितने सारे हम सैलरीज पे कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज को। से फॉर एग्जाम्पल अगर 100 एम्प्लॉयज थे तो वो 120 एम्प्लॉयज दिखा रहे थे, तो इट शुड नॉट बी डन। ठीक है, डमी वर्कर्स, यू नो, शोइंग द पेमेंट टू द डमी वर्कर्स शुड नॉट बी डन, बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज अ फ्रॉड, क्योंकि आप इंटेंशनली कर रहे हो एंड योर बुक्स विल नॉट बी शोइंग यू द ट्रू एंड फेयर व्यू। सो इफ द पेमेंट इज इवन मेड टू एनी ऑफ द डमी पर्सन, इट शुड बी डिटेक्टेड बाय चेकिंग द अटेंडेंस रिकॉर्ड। सरप्राइज चेक कर लेना चाहिए अटेंडेंस। ठीक है, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप पेमेंट करो किसी, यू नो, प्रेजेंस ऑफ द अपने सुपरवाइजर के। इट समटाइम्स सो हैपन ना कि पर्सन प्रेजेंट है बट उसको फिर भी सैलरी काट दिया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फाइंड इट आउट द रीजन एंड ट्राई टू सॉल्व दैट इशू एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई अनपेड सैलरी है तो वेजेस है तो तुरंत से जाके रिडिपॉजिट कर दो बैंक में अ चेक को। देन अपार्ट फ्रॉम इट, वन पॉइंट ऑल्सो यू कैन एड इट अप दैट द ऑल द बेसिक डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ है, फोटो आइडेंटिफिकेशन लाइक आधार कार्ड है, पेन कार्ड है, वोटर आई डी है, ठीक है, दिस आर द सम ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी टेकन इट अप फ्रॉम योर एम्प्लॉयज फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज। ठीक है, if there are the casual workers, the casual workers should be, you know, paid separately। agar koi deductions hai, deductions bhi acche se karke, agar loan ka deductions hai, advances ka deductions hai, so it should be set, you know, deduction should be properly made and then the amount should be handed over to the employees। so this is all about the internal control for the wages and the salaries।